आज हम सी थीम सूप बनाएंगे। सबसे पहले मैं कोकोनट ऑयल को ले रही हूँ, जो हमारी स्टैंडर्ड रेसिपी है, जिसमें 300 ग्राम्स जो है कोकोनट ऑयल डलता है, उसको मैं 10 से डिवाइड करके 30 ग्राम्स ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, क्योंकि आपने अपने मोल्ड को वे करके और नंबर ऑफ पीसेस जो आपने बनाने हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी रेसिपी को अप डाउन करना है। मैं क्योंकि एक सूप बना रही हूँ तो इसलिए मैं 30 ग्राम्स कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, जो कि ओरिजिनली जो रेसिपी है हमारी स्टैंडर्ड दैट इज 300 ग्राम्स, और उसको डिवाइडेड बाय 10 किया तो वो 30 ग्राम्स हो गया। लाइकवाइज जो सनफ्लावर ऑयल है वो 200 ग्राम्स है, उसको जब 10 से डिवाइड किया तो दैट मीन्स 20 ग्राम्स। तो अब मैं सनफ्लावर ऑयल तब तक ऐड करूँगी जब तक स्केल 50 पे ना आ जाए। 50 हो चुका है। नेक्स्ट अब मैं कॉस्टिक सोडा को मेजर करूंगी। कॉस्टिक सोडा की मेजरमेंट शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट, वरना जो है ये आपको सोप के अंदर जब आप यूज़ करेंगे तो तंग करेगा। जो हमारी स्टैंडर्ड रेसिपी थी उसमें कॉस्टिक सोडा 77 ग्राम्स था, तो अगेन उसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो दैट वुड बी 7.7। 7.7 मीन्स रफली 8 ग्राम्स, क्योंकि राउंड ऑफ कर लेंगे हम 7.7 को 8 कर लेंगे। तो आई विल बी टेकिंग 8 ग्राम्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, और जो डिस्टिल्ड वाटर है दैट वाज 187 ग्राम्स, लेकिन अगेन डिवाइडेड बाय 10 करके 18 ग्राम्स जो है या 19 ग्राम्स जो है आप वाटर ले लेंगे। अब मैंने अपने ऑयल को हीट होने के लिए रख दिया है टिल द टाइम इट इज 50 डिग्रीज। मीन वाइल मैंने अपना कॉस्टिक सोडा मिक्सचर जो है वो बाहर रख के उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन को होने दिया था, और जब मेरा 50 डिग्रीज दोनों का टेम्परेचर हो गया तो मैंने इसको ऐड कर लिया। सो नाउ यू कैन सी कि काफ़ी थिक सा ये मिक्सचर बन चुका है, और अब जो है मैं इसको बीट करूँगी। अराउंड 10 मिनट्स जो है इसको बीट करना है। आप 10 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका ट्रेस जो है आपको क्या चाहिए। ट्रेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि जब तक आपका इम्प्रेशन जो है, जब आपके ड्रॉपलेट्स बीटर से ड्रिप होंगे तो उन ड्रॉपलेट्स का जब तक इम्प्रेशन नहीं स्टे करता आपके रिमेनिंग मिक्सचर पे, तब तक जो है आपका ट्रेस नहीं आया। जब तक वो रनी है और तब तक ट्रेस नहीं है, लेकिन आपको तब तक बीट करना है कि जब तक आपको थिक सा हो जाए और जो ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करें, बीटर का इम्प्रेशन भी अंदर आए। दैट अगेन डिपेंड्स कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर तो आप मार्बलिंग करना चाह रहे हैं या फिर दो तीन कलर्स को सेपरेट रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए यू नीड वेरी थिक ट्रेस। लेकिन इफ़ यू आर जस्ट एडिंग वन कलर और उसके अंदर आप कुछ और एम्बेलिशमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है ये वाली जो स्टेट है ट्रेस की, ये बहुत अच्छी है क्योंकि इट इज़ रनिंग एंड एवरीथिंग। ये इस पॉइंट पे जब आपने पोरिंग करनी है कलर्स की, तो दिस इज़ द राइट टाइम दैट यू हैव टू ऐड योर एडिटिव्स, चाहे वो कलर्स हो चाहे वो फ्रेग्रेंस हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू ऐड दैट। अब कलर सॉरी फ्रेग्रेंस को ऐड करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके कलर्स के अंदर मिक्सचर जो है सोप मिक्सचर वो ऐड करूँगी, और ऑलरेडी जो कलर्स हैं उनको मैंने ग्लिसरीन के साथ थोड़ा सा जो है वो मिक्स कर लिया था। बट अगेन दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आप ग्लिसरीन पार्ट नहीं करना चाह रहे तो आप इस स्टेट पे पाउडर्ड मीका जो है, या फिर जो आप क्लेज ले रहे हैं, कोई भी कलर्स नेचुरल कलर्स ले रहे हैं, उनको आप उनमें आप डायरेक्ट जो है 1 स्पून सोप मिक्सचर का डाल के तो अच्छे तरीके से स्टिर कर लें, तब भी लम्ब्स नहीं बनते कलर के और वो सही से एड इन हो जाता है। लेकिन अगर आप ग्लिसरीन के साथ भी पहले कर लें तो इवन दैट इज़ ओके। सब कलर्स जो हैं वो मेरे मिक्स हो चुके हैं। सो नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं सी थीम जो है वो क्रिएट करूँ।
सबसे पहले जो है वो मैं सैंड एरिया के लिए ब्राउन जो मिक्सचर है उसको ऐड करूँगी। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो कलर आपको अभी नज़र आ रहा है, वंस माई सोप विल बी क्योर्ड, तो ये वाला कलर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा जो है वो टोन डाउन हो जाएगा। एटलीस्ट 2 to 3 शेड्स जो है वो टोन डाउन हो जाता है और कलर जो है वो लाइट हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको जो भी कलर चाहिए उससे आपने 2 टोन्स जो है वो आप रख के मेकअप पाउडर या फिर अपनी क्ले या नेचुरल कलरेंट को ऐड करना है। उससे ये होगा कि आपका जब क्योर होगा सोप तो वो टोन डाउन होके वो कलर हो जाएगा जो कि आप चाह रहे थे। तो इसलिए ऑलवेज कीप द अमाउंट ऑफ कलर वेरी हाई ताकि आपका कलर जो है वो अचीव हो जो आप चाह रहे थे। नेक्स्ट मैं दूसरा जो ब्लू शेड है उसको ऐड करूँगी। अब मैं सेकेंड जो कलर है उसको ऐड कर रही हूँ। 2 डिफरेंट ब्लूज ऐड करने का मकसद ये था कि थोड़ी सी मोनोटनी जो है वो ब्रेक हो जाए और एक ही टोन में ना सी लगे, इसलिए 2 टोन्स को ऐड किया है। फॉर वेव्स पार्ट वाइट को ऐड कर रही हूँ मैं। वाइट जो है वो मैंने जिंक ऑक्साइड को यूज़ किया है और इसको भी अब मैं जो हूँ थोड़ा सा मर्ज कर लूँगी ताकि वो वेव्स की तरह का ही इम्पैक्ट आए। इस पॉइंट पे अगर आप वेव्स को थोड़ा सा रेज्ड इफेक्ट देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करूँगी कि मैं थोड़ा सा जो है वो वेव्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही हूँ ताकि जब ये क्योर हो तो इसी तरह से जो स्पाइक्स हैं वो खड़ी हुई नज़र आएं। उससे ये होगा कि आपको एक 3D लुक लगेगी कि जिसमें जो वेव्स हैं वो ऊपर नीचे जो है वो मूव कर रही हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए तो फिर ऑब्वियसली आप अपने स्पैचुला या स्टिक, जो भी मिक्सिंग स्टिक जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आपने उसको एक लेवल कर लेना है ताकि जो है वो ऊपर की तरफ उसका कोई भी जो है वेव ना हो। लास्टली आई वॉज हैविंग दीज शेल्स विद मी, तो ये शेल्स को भी मैं ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे आप पर्ल्स को भी ऐड कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी कि जो मेरा वाइट पोर्शन है वो रेज्ड है, वो बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, लेवल्ड नहीं है। इसके बाद मैं इसको कवर करके टावल के साथ रैप कर लूँगी ताकि ये इंसुलेट हो जाए एंड कीप इट फॉर 24 आवर्स। सो आफ्टर 24 आवर्स ये बिल्कुल क्योर हो चुका है, सेट हो चुका है और ब्राउन का कलर जो है एज यू कैन सी कि काफ़ी डल हो गया है एज़ कम्पेयर टू वॉट वी पोर्ड वाइल इट वॉज वेट। थोड़ा सा ब्राउन वाले एरिया मेरा सोप कम था इसलिए वो एक होल क्रिएट हो गया। अदरवाइज आप वेव्स को देखें कि वो किस तरह से रेज्ड हैं। दिस इज़ हाउ द फाइनल लुक ऑफ द सोप इज़।